वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होपफुली आप सभी लोग जिंदगी के मजे ले रहे हैं। काफी टाइम हो गया वीडियो बनाए को, टाइम नहीं मिलता था इतना, और अगर टाइम मिलता था तो साथ में कोई जाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वीडियो बनाना इतना आसान नहीं रहा पिछले कुछ दिनों में। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, लेकिन कोई मिला तो नहीं साथ आने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा यार अकेले ही चलते हैं, तो इसलिए आज हम एडमिंटन से बिल्कुल पास में ही है, 30 मिनट 40 मिनट की दूरी पर है, और आज मैं अकेला ही आया हूँ। शाम के 5 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो टाइम काफ़ी हो गया है। अब टेंट वगैरह सेटअप करते हैं और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो फॉल ऑलमोस्ट डन होने वाली है, आप देख सकते हैं पूरे पत्ते झड़ चुके हैं और कभी भी स्नो डल सकती है, और इवन आज रात को भी टेम्परेचर -3 -4 होने वाला है, तो ठंड होएगी। लेकिन हम भी पूरी तैयारी में आए, अच्छे से पैक हो रखा हूँ मैं, तो ठंड नहीं लगनी चाहिए होपफुली, और अपने पास हीटर तो है ही है बैकअप के लिए, तो प्लान है अपने पास। छोटे वाला टेंट लेके आया हूँ क्योंकि अकेला ही आऊंगा, तो मुझे बड़े टेंट की क्या जरूरत है, इसी में अपना काम चल जाएगा। और इस कैंप ग्राउंड में करीबन 200 से 250 कैंप साइट्स है, और मुझे लगता है मैं अकेला ही आज आया हूँ यहाँ पे। पूरे कैंप ग्राउंड में मैं अकेला ही हूँ और कोई भी नहीं है। टेंट की लोकेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी, उधर ज़्यादा पत्थर थे तो इसलिए इधर मूव करना पड़ा, यहाँ पे पत्थर नहीं है इतने, सो इजी है गाड़ना यहाँ पे। तो टेंट हो गया अपना सेटअप, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हो गई है डन, और रहने का बंदोबस्त हो गया है, तो इसी बात पे एक बियर तो बनती है। ठंडे वेदर का ये फ़ायदा है कि आपको कूलर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आपको चिल्ड बियर मिलेगी, तो ये तो एक फ़ायदा है। लेकिन रात में कुल्फी भी जमेगी, ये भी है, लेकिन हम भी तैयारी के साथ आए हैं, कोई नहीं देखते हैं। Cheers। अभी आग करता हूँ शुरू, ठंड हो गई है काफ़ी, आग करते हैं शुरू और फिर बैठते हैं, और करने के लिए तो कुछ नहीं, अकेला ही हूँ आज। आज कुछ कुकिंग करेंगे थोड़ी सी, देखते हैं ट्राई करके, बोले हालांकि मेरी कुकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा जाता है वो भी।
तो आग लग चुकी है। टाइम तो अभी 6 ही बजे, लेकिन अंधेरा होने वाला है जल्दी। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास टॉर्च है तो खाना भी थोड़ी देर में बनाएंगे। अभी भूख नहीं लगी इतनी। बैठते और यहाँ पे एंजॉय करते, आपसे बातें करते हैं दो चार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ, जितना भी आप सपोर्ट दे रहे हो चैनल को, से देख के बहुत अच्छा लगता है। होपफुली इसी वीडियो के साथ 100 सब्सक्राइबर पार हो जाएंगे अपने। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, 100 सब्सक्राइबर भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये अब परिंदे आ गए, इनकी आवाज़ आ रही है पीछे, एक मिनट सुन लीजिए। पूरा का पूरा झुंड जा रहा है। हाँ, तो 100 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए इस वीडियो के साथ, तो अच्छा लगता है ऐसे सपोर्ट करते हो चैनल को। और होपफुली आप इंजॉय कर रहे हो जैसी वीडियो आ रही है। और अगर आपको कोई सजेशन है कि आप कैसी वीडियो देखना चाहेंगे, तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, वैसी वीडियो भी कर देंगे। हम तो क्या है भैया, वेले हैं हम तो, काम धंधा तो चलो चल रहा है जैसा चल रहा है, लेकिन ऐसे काम के लिए तो वेले हैं हम। जब मर्जी जैसे मर्जी आप बताइए, हम वीडियो करेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू। तो आज खाने में हम खाएंगे चाप, और चाप होगी दूसरे तरीके की, जैसे चिली चिकन होता है वैसे। ये सब्जी वगैरह मैं घर से ले आया था, तो अभी चाप को रखते हैं आग के ऊपर और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे तैयार करी जाती है। मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ये रेसिपी, तो कभी करी नहीं ट्राई, देखते हैं। कहते हैं कि पहले बटर मेल्ट कर लो, ताकि आप चाप के ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हो। तो अभी बटर को मेल्ट करते हैं, चाप को भी ले आते हैं थोड़ा सा आग के ऊपर। अंधेरा काफ़ी हो गया है और ठंड भी हो गई है, थोड़ा सा डर भी ज़रूर लग रहा है, अकेला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। डर के आगे जीत है। दिखाता हूँ अभी आपको तैयार करके। तो चाप हो गई रेडी, और अब रेसिपी को फॉलो करते हैं। थोड़े से इसमें प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च गिरते हैं इसमें, और ये थोड़ा सा धनिया, और थोड़ा सा और बटर गिरेंगे इसमें। अब थोड़े से मसाले घर से मैं ले आया था, उसको घेरते हैं।
थोड़ा सा इसमें गिरेंगे लेमन जूस, और गलत चला गया तो इतना बहुत होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बारी। तो चाप ऑलमोस्ट हो गई रेडी, अब इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। अच्छी बनी है काफ़ी, उम्मीद से तो अच्छी ही बनी है, उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी बनेगी। तो चलिए अभी इसको मैं खाता हूँ और फिर इसके बाद जल्दी सोने चला जाऊँगा, क्योंकि कल मेरा काम भी है जल्दी सुबह 8 बजे। तो कल सुबह उठ के 6 या 7 बजे उठ के यहाँ से पैकअप करके निकल जाएंगे यहाँ से, और फिर बैक टू वर्क लाइफ। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 7 बज चुके हैं और अब टाइम है काम पे जाने के लिए, और अभी बस टेंट वगैरह को निकालता हूँ और फिर चलता हूँ यहाँ से। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और होपफुली आप इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।